बहुत लोगों की अलग अलग मान्यता है इन चार चीजों को लेके, बट मेरा शिव के साथ एक ऐसा अद्भुत रिश्ता है और एक वचन है कि मैं सिर्फ उसी बारे में बात करूंगा जो मेरे अनुभव में है। तो मेरे अनुभव में मैं इन चार चीजों का बहुत संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मैं नहीं जानता कि स्क्रिप्चरल नॉलेज इस पे क्या कहती है, बट मैं अपने अनुभव से बात करूंगा। डॉक्टर पांडे कैन करेक्ट मी। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चार चीजें हैं जिसको मॉडर्न तरीके पे हम माइंड बोलते हैं। उस माइंड के अंदर ये चारों चीजें सम्मिलित हैं, मगर ये माइंड एक नहीं है, इसमें ये चार सेक्शंस हैं सो टू से। अगर आप इन चार सेक्शंस को अनुभव कर पाए तो आपकी सोच बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत प्रखर हो जाएगी, बहुत शार्प हो जाएगी। सो पहला, मन। मन को हम बोलते हैं एन इनपुट आउटपुट फैकल्टी। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी सेंसेस ने मुझे एक ऑब्जेक्ट दिखाया, मेरी आंखों ने मुझे एक ऑब्जेक्ट दिखाया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने छुआ, तो मेरे मन में ये बात आई कि ये क्या है। तो मन एक बाहरी तल पे ये एक विचार ला रहा है कि ये क्या है, उसने सेंसरी इनपुट ले लिया। तो मन वह है जो सेंसेस से इनपुट ग्रहण कर रहा है, तो उसने सेंसरी इनपुट लिया कि ये चीज क्या है। नंबर टू, फिर आया चित्त का रोल। चित्त मतलब आपकी मेमोरीज का सदियों पुराना, जन्मों पुराना डेटा बैंक। चित्त लाइक इज लाइक अ डेटा बैंक। ये मन फिर चित्त को अप्रोच करता है कि मैं डेटा बैंक में जाके देखता हूं कि ये जो इनपुट इंफॉर्मेशन आई ये क्या डेटा बैंक में है। तो वो डेटा बैंक को सर्च करता है। सो चित्त इज लाइक डेटा बैंक। तो उस चित्त में कुर्सी भी है, अलमारी भी है, टेबल भी है। तो अभी मन ने प्रश्न किया था इनपुट से और चित्त के डेटा को वो एक्सप्लोर कर रहा है। फिर रोल आता बुद्धि का। बुद्धि इज अ डिटरमाइनिंग फैकल्टी, वो डिटरमाइन करती है चीजों को। बुद्धि इन दोनों के ऊपर है। बुद्धि ने चित्त से, जो मन से इनपुट आया और चित्त के डेटा बैंक को एनालाइज किया, और बुद्धि ने कहा ये टेबल नहीं, ये कुर्सी है। ये जो इनपुट आया मन से और ये जो चित्त के डेटा बैंक में देखा, बुद्धि डिसाइड कर रही है अपने विजडम से, अपने विवेक से कि ये कुर्सी है। जब ये तीन चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो ईगो बीच में आता है। नाउ द फोर्थ लेयर, ईगो। और ईगो का तो एक ही काम है ना, वो सीधा ये बोलेगा ये कुर्सी मेरी है। हाँ, तो ये ईगो का रोल, उस चीज को अपना या तेरा बता देना, डिफ्रेंशिएट कर देना कि ये मेरा ये तेरा, हक जमा लेना। ये अहंकार का रोल आया, उसने मैं को इस कुर्सी के साथ जोड़ दिया कि ये कुर्सी मेरी है। तो बहुत संक्षेप में देखें तो दिस इज हाउ दीज फोर पार्ट्स आर।